छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुई घटना के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा दुर्ग के केंद्रीय जेल पहुंचे। उन्होंने जेल का मुआयना कर जेल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। दरअसल कवर्धा में जेल में हुई मौत और शुक्रवार को केंद्रीय जेल दुर्ग में एक कैदी की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद डिप्टी सीएम और गृह मंत्री दुर्ग जेल पहुंचे और जेल प्रबंधन से बात की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कवर्धा की घटना के बाद बकायदा पंचनामा हुआ है और कांग्रेस के विधायक भी वहां सामने थे और उनके सामने ही पंचनामा हुआ है। एसपी को बहाल कर दिया गया, बदल दिया गया है, एडिशनल एसपी सस्पेंड किया गया है, आज आयोग बैठाया जाएगा, साथ ही गुनाहगारों को सजा भी दी जाएगी। वही एसपी अभिषेक पल्लव को हटाने पर विजय शर्मा ने कहा कि अभिषेक पल्लव का एक वीडियो आया है, उस वीडियो में यह समझ आया है कि उनको अपनी जिम्मेदारी इस ढंग से नहीं निभाना चाहिए था और कलेक्टर का तो रूटीन ट्रांसफर हुआ है, उस समय जो एडिशनल एसपी की जिम्मेदारी थी वो भी ठीक से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाया, उनको भी सस्पेंड किया गया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है वो अलग है, आप तो समीक्षा कर लें, पहले आप समीक्षा कर लें। एक मौत हुई है जिसके बाबत पंचनामा हुआ है, कांग्रेस के विधायक वहां सामने थे, तो हमने कहा कि ठीक है, स्वागत है इस प्रक्रिया का, कोई विषय नहीं, बिल्कुल सामने रहे, गलती जो किया होगा वो सजा पाएगा। पूरे थाने को बदल दिया गया है, एसपी बदल लिया गया है वहां पर और एडिशनल एसपी सस्पेंड किए गए हैं, जांच आयोग बिठाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उस पर जांच होगा, जो गुनहगार होंगे वो सजा पाएंगे, उसमें कोई संशय नहीं। सर क्या लगता है आपको, क्या हुआ था मामला पूरा? मुझे दो घटनाएं हुई थी, एक मध्य प्रदेश की सीमा में लाश मिली थी, उसके बाद गांव में आक्रोश हो गया और गांव वालों ने एक आगजनी की, ऐसा पता चलता है, और फिर उस आगजनी में मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति रघुनाथ साहू हैं उनके नाम की, जल गए वो, उनकी पत्नी भी काफी जल गई, और इस आक्रोश के कारण फिर पुलिस के साथ भी गांव वालों की कुछ जुमाझटकी हुई, जिसमें बाद में फिर पुलिस ने गिरफ्तारियां की। उन गिरफ्तारियों में कुछ ये बात आई कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम नहीं होने चाहिए, चूंकि वो मध्य प्रदेश में उस व्यक्ति के साथ थे जो खत्म हो गए थे, उनको उनके पोस्टमार्टम में थे या उनके इसमें थे, सहयोग में थे वहां पर, और कुछ ऐसे नाम हैं, तो मैंने बिल्कुल बहुत स्पष्टता कहा है भाई प्रशासन से कि आप इसमें जांच उचित करें, ऐसे नहीं है कि कोई भी किसी को भी ला कर रखा जाए, जांच उचित करें। गुनाह तो हुआ है वहां पर, एक बड़ी आगजनी घटना हुई है, तो उस पर जो कुछ जो गुनहगार होगा उसको सजा मिले, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिसके समक्ष जिसके संबंध में प्रमाण है कि वो दूसरे हैं, तो इनको क्यों रखा जाए, ये बात बहुत स्पष्टता के साथ हुई है और मैं सोचता हूँ कि जल्द ही इसका निर्णय पूरे मामले को हटाया गया।